नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और देखिए, अगर आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, तो उसके भी उपाय हैं, लेकिन थोड़े केयर करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, मैं बताऊंगी। आगे मेरी वीडियो देखें कि क्या करेंगे लंबे बालों के लिए। और लंबे बालों से ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपके बाल मजबूत हों, आपके जड़ मजबूत हों। तो आपके जड़ मजबूत होंगे तो बाल अपने आप ग्रो करेंगे और शाइन भी बने रहेंगे। हाँ, दो चार दस बाल झड़ते हैं, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर से वो उगने लगते हैं अगर बालों की आप केयर करेंगे तो। मैं आगे भी हेयर डाई बताऊंगी जो कम बजट में भी आप हेयर डाई अपने कर सकते हैं, और कुछ उसमें ऐसे मिलाएं जिससे आपके बाल को डाई भी हो जाए और फायदा भी करे आपके बाल में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको हेयर ऑयल बताने जा रही हूं कि आप अपने बालों में किस तरह के हेयर ऑयल अपने घर में DIY बना सकें और अपने बालों को कर सकें। महंगे से महंगे तेल आते हैं, आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप घर में बनाएंगे तो आप सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ, ये ओरिजिनल है और आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद भी है। चलें। हेलो फ्रेंड, आई हाउ आर यू, आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैं लोहे की कढ़ाई में सरसों तेल डाली हूँ, ये। और आप सोचिए कि मैं क्या बताने, ये तो समझ ही गए हैं कि मैं हेयर टॉनिक बता रही हूँ या हेयर ऑयल बता रही हूँ। इससे आपके बालों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तेज़ी से ग्रो भी करेंगे और झड़ेंगे भी नहीं। मैं अब एलोवेरा काटी, ऊपर वाले पार्ट को हटा दीजिए जिसमें येलो कलर का लिक्विड पीले कलर का निकलता, उसको निकाल के ही आपका उसका यूज करें। कभी भी एलोवेरा का यूज करें, फेस हो या हेयर हो, उसका पीला जल कलर का जो लिक्विड निकलता उसको ज़रूर निकाल दें, तभी उसका यूज करें। और लो फ्लेम पे इसको पकाएं, और कलर जब तक चेंज ना हो तब तक इसको पकाते रहें। अब देखिए, बारी आती है, मैंने जो बोला था ना कि ये है नौबची के पौधे, नौबजिया भी जिस नाम से आप बुला लें, नौबची के पौधे हैं। मेथी दाने, कलौंजी के बीज हैं, और ये जो है नौबजिया फूल, नौबची के पौधे, ये बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इनकी पत्तियां तोड़ के डालें या फिर डंठल के साथ भी डाल सकते हैं आप, जैसे आपको सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। मैं पत्तियां तोड़ रही हूँ, देखिए पत्तियों को तोड़ करके उसको डाल लीजिए तेल में। सारे के सारे मैंने, और डंठल के साथ भी मैंने इसको डाल दिया, नौबची के पौधे को। और देखिए, बारी आती है कड़ी पत्ते की। ये सब मैंने लगा रखा है अपने बगान में, बगीचे में। और ये देखिए, पत्तियों को मैं तोड़ लूँगी, कड़ी पत्ते हैं, और सारे पत्तों को धो लीजिएगा। मैंने धो लिया था डंठल के साथ ही, उसको पानी को मैंने सुखा लिया था, और उसके बाद इस पत्तियों का यूज कीजिए। ये आप नारियल तेल में भी बना सकते हैं, या नारियल सरसों तेल दोनों मिलाकर भी ये तेल बना सकते हैं। देखिए, मैंने इसमें ऑनियन काट लिया, प्याज, और प्याज काट करके डाल दिए हूँ। और प्याज को भी जब तक ब्राउन कलर के ना हो जाएं तब तक इसको पकाते रहना है। ये अदरक है, अब इसमें अदरक को मैं कद्दूकस करके इस सरसों के तेल में मैं डाल दूँगी। आप सरसों नारियल दोनों मिला के भी ये तेल बना सकते हैं। जो जो भी मैंने डाला था सारे लगभग पक चुके हैं, कलर भी चेंज हो चुके हैं।
इसको बस चाय छन्नी से छान लें और कहीं भी स्टोर कर लें, आप जिस भी बोतल में, मैं कांच की बोतल में स्टोर कर रही हूँ, और स्टोर करके और बालों में वीक में कम से कम 2 बार यूज करें। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देखिए, मैं तो हेयर ऑयल बता दी आपको, लेकिन एक बात जरूरी है जो मैं बता दूं कि अपने गीले बालों में तो कंघी कभी ना करें, और जब भी कंघी करनी हो पहले तो गीले बालों को ऐसे सुलझा लें, उंगलियों की मदद से ऐसे सुलझा लें धीरे 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 सारे बाल, और सुलझा के जब हल्के बाल सूख जाए तो ये मोटे दांत वाली जो कंघी आती है उससे अपने बालों को ऐसे कंघी करें, धीरे धीरे अपने बालों को कंघी करें। और एक और जरूरी बात, रात में बिना चोटी किए आप सोए ही नहीं, अगर आपके लंबे बाल हो या छोटे बाल हो, अगर चोटी करने लायक है तो चोटी जरूर करें, और चोटी यहाँ से लेके पूरे जड़ से लेके पूरे यहाँ तक अपने बालों को चोटी करें, और चोटी करके ही सोएं, वरना आप खुले बाल सोएंगे तो बाल आपके रफ हो जाएंगे, और रफ हो जाएंगे और टूटेंगे भी, इसलिए बाल को रात में चोटी करके ही सोएं। और देखें ये सब सारे उपाय छोटे छोटे करके आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे।